ये है रमेश मलिक, पिता का नाम मनोज मलिक, एक बड़े क्रिमिनल, और इसकी माँ सोचती है अपने पिता की तरह ना बने बल्कि एक पुलिस ऑफिसर बने। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। माँ, मुझे पुलिस अकेडमी में एडमिशन मिल गया। नमस्ते दास अन्ना। ये है चंदू, इसके पिता का नाम नरेंद्र, जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता है, पर एक दिन पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और तब से चंदू की हालत भिखारियों जैसी है। तिरुपति से कब आए? आज ही सुबह आया हूँ। अन्ना, एक स्पेशल डोसा। वेंकटेश से मेरे बारे में पूछा। वेंकटेश? ओ वेंकटेश स्वामी, हाँ बताया था। अन्ना डोसा रेडी है? धंधा कैसा चल रहा है? अरे अभी भी तो लगाया छोटे, सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। अरे इसे चटनी दे। सर, ये है विश्वनाथ, वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। सर, डैडी उर्फ जौहर सीधे जाके लेफ्ट में चौथे रूम में है सर। ओके कम। क्या रे चंदू? दास अन्ना, मुझे अर्जेंट डैडी से मिलना है। दास, उसको आने दे। डैडी, डैडी, आपको पकड़ने पुलिस आ रही है। ओ सॉरी, मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जवाहरलाल, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, पक्का क्रिमिनल, और लोग मुझे प्यार से डैडी बुलाते हैं, साई राम। सर अंदर कुछ नहीं है। ये शायद स्टूपिड लगेगा, मुझे पता है तुम नहीं बताओगे, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ ड्रग्स और हथियार होने चाहिए थे। वो कहाँ हैं? आप आने वाले हैं ऐसी मुझे खबर मिली, इसलिए मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया। और जो सच्चाई आपको दिखाई दे रही है उसको मैंने आपके पीछे ही जला दिया। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, पियोगे क्या? सम अदर टाइम, सम अदर प्लेस। आई लव यू साईराम। इस टेबल पर कितने फाइल हैं बता सकते हो? सर, लेफ्ट साइड में 3 ब्लू फाइल, 4 ग्रीन फाइल, राइट साइड में 4 ब्राउन फाइल, 2 ब्लू फाइल, राइट सर। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सर, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में आए हैं, इसलिए दो अलग अलग मौजे पहनकर आए हैं। पुलिस वाले हमसे रिश्वत लेके हमें बचाते हैं, हाँ? फिर विश्वा हम पे रेड करने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जानी चाहिए थी, हाँ? इसके लिए उन लोगों के साथ हमारे आदमी का रहना जरूरी है। चंदू के जैसे। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? मेरी माँ का नाम मंगला पवार है सर। हम तुम्हारे पिता का नाम पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम? मेरी माँ का नाम श्रीमती मंगला पवार है सर। तुम्हारी माँ जानती है तुम्हारे पिता का नाम? You are dismissed. Get out. तुझे जो पसंद है मैं तुझे दूंगा। मुझे गन पसंद है। पुलिस को ज्वाइन करेगा क्या? हाँ डैडी। क्यों? क्योंकि मुझे पुलिस से नफरत है, उन्होंने मेरे डैडी को मार डाला। तुम्हारे पिता एक एंटी सोशल एलिमेंट थे, इसलिए फॉर्म में पूरी तरह से उनका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, और तुमने एक सीनियर ऑफिसर से मिसबिहेव भी किया था, इसलिए तुम इस डिपार्टमेंट के लायक नहीं हो। ऑफिसर नहीं बनोगे चलेगा, पर तुम अपने पिताजी की तरह मत बनो। सर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ,
मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ सर। किसने कहा कि तू पुलिस ऑफिसर नहीं है? तू पुलिस ऑफिसर ही है, बट सीक्रेट पुलिस ऑफिसर। और ये बात तू किसी और को मत बताना। गुड, तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन सकते हो। यस सर। इसमें 8 to Z तक और 1 से 9 तक नंबर रहते हैं। इसको हम कोड लैंग्वेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीड एक बार, डॉट दो बार और डैश एक बार प्रेस किया तो हम समझेंगे तुम्हें हेल्प की जरूरत है। मशीन को बॉडी के किसी भी हिस्से में रखकर वहां से ऑपरेट कर सकते हो। समझ गए ना? से निकल के लॉर्ड और मैं पहुंच गया चंदू। अगर किसी की फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है तो मुझसे झगड़ा करना पड़ेगा। और जिसने मुझसे झगड़ा किया उसकी पेपर में हेडलाइन। जीनियस चंदू। कचरा पट्टी। सुबह राजू, मुझे एक कचरा पट्टी पसंद नहीं है, तुम इसे तोड़वा दो। क्यों, यहाँ पर कुछ बनवाना है क्या? नहीं, ये सब यहाँ पर रहे ये मुझे पसंद नहीं। ऐसा क्यों? इससे पहले तो आप भी वहीं रहते थे। इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि जब मैं वहाँ रहता था तो इस बिल्डिंग को देखकर इस बिल्डिंग में आना चाहता था, इसीलिए इस बिल्डिंग में रहने वालों को खत्म करके मैं आया। सपोज अगर मेरी ही तरह सोचने वाला वहां कोई दूसरा हुआ तो फिर कल वो हमारे लिए खतरा है। लॉजिक, लॉजिक। तुम किसी भी तरह डैडी के गैंग में ज्वाइन हो जाओ और ये तुम्हारा लास्ट असाइनमेंट है और इस ऑपरेशन का नाम होगा होमम। रमेश, तुम्हारा काम सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लोगों की इंफॉर्मेशन देना है, डैडी को मारना नहीं। ए, चलो, उठ, उठ। रमेश, तुझे मालूम है ना कि माणिक पागल है, इसीलिए इस बार डील के लिए तू चला जा। भाई पैसे ले लो। ये मानिक, माल निकल। मैं इस समय माल नहीं देने का डिसाइड कर चुका हूं। मजाक है? नो। माइंड हटेला है क्या? एक भी नहीं बचेगा। तुम लोग बचोगे क्या? Ha ha.
मानिक नहीं, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नहीं मानिक, चुप। तू नहीं मानिक। ए क्या रे, क्या रे, सो जाओ, सो जाओ, लेट जाओ। गन निकालो, गन निकालो। तेरा काम खत्म। हे, तेरी माँ का एमाल और पैसा निकाल। वरना तू मर जाएगा। मार दे इसको, मार दे। गन नीचे फेंक दो, नहीं तो फिर इसकी जान चली जाएगी। अबे ओए, मैंने कहा नीचे गन फेंक, फेंक दे, नहीं तो इसकी जान जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, गन नीचे फेंक दे। वो नहीं मरेगा, क्यों जानता है? शक्ति चल। मैं नहीं आ सकता। चल, मुझसे चला नहीं जाएगा। तो आएगा। चल गाड़ी में बैठ, गाड़ी बैठ। ओके ओके, थैंक्स रमेश। लॉर्ड, तू पैसा लाया क्या? अरे पैसा तो मैं भूल गया। शिट, मैं अभी आता हूँ। रमेश, अभी आता हूँ मैं। अच्छा छोड़। हेलो 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 हेलो, हेलो।
सुपाज बिल्डिंग के पास अर्जेंट में एम्बुलेंस भेज दो। सर एक मौका और दो, इस बार हम जीत जाएंगे सर। मैंने जिंदगी में कभी भी हारना नहीं सीखा। सर नहीं सर, नहीं सर, मुझे मारना मत सर। मानिक, मानिक सुबह राजू, हमारे जो जो आदमी मारे गए हैं उनके घर में इमीडिएट 10-10 लाख रुपए भिजवा दो। मेरे होटल की एक रेपुटेशन है और ये सूप जिसने भी तैयार किया है मुझसे पूछे बिना उसे निकाल दो। जी सर। नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। ओके सर। ए तेरा नाम क्या है? रामकृष्ण सर। रामकृष्ण, रामकृष्ण। क्या रे छोटे शक्ति, तुझे भी बुलेट लगी है? तुझे भी कुछ पैसे चाहिए क्या? मेरे को नहीं मांगता डैडी, बुलेट ही लगाए ना, बदले 5 लाख दीजिए। रमेश को डबल देना पड़ेगा डैडी। क्यों? रमेश नहीं होता तो ना हम होते ना माल होता, क्यों गॉड? ही इज राइट। इसीलिए मैं हर डील के लिए रमेश को ही भेजता हूँ। I am Vishwanath, your chief in command. And he is Mr. Jairam, DJP and intelligence. और ये हैं DJP, Mr. Nayak, your officer in charge. सबको पता है कि ये एक नई यूनिट है और first assignment is high profile criminal, Daddy. लेकिन वो एक बहुत ही चालाक criminal है। पैसे एक जगह पे, deal एक जगह पे और delivery किसी एक जगह पे करता है। इसका नाम नवीन जवाहरलाल है। और ये है सुब्बा राजू, CA पढ़ा है। डैडी इस पर बहुत भरोसा करता है। ये रमेश है, डैडी का विश्वासी आदमी, गॉड। ये डैडी का राइट हैंड है और इसका नाम शक्ति। ये बहुत ही टैलेंटेड क्रिमिनल है। अगर तुम में से तीन कोई भी सिंसियरली ऑफिसर काम करेंगे तो हम लोग डैडी जैसे क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। सर अगर आप ऐसा बताओगे तो ये लोग नहीं समझेंगे। लिसन, थोड़ा टाइम तक सिंसियरली काम करो, नहीं तो फिर आपकी खैर नहीं। नायक, ओके गाइस, यू आर डिसमिस। यस सर। जस्ट रिलैक्स नायक, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन यहां मत दिखाओ। ये बात नहीं है सर। मिस्टर विश्वनाथ, पाकिस्तानी ISI एजेंट की तरफ से टिप आया था, उसका क्या किया तुमने? मैंने उस केस को चंदू को हैंडओवर कर दिया। चंदू वो कैट नहीं है, उसका इस केस को डील करना भी कैट नहीं है। ही इज द बेस्ट। चंदू किधर? चार्ज भंडार में बम रखने से 50 लोगों की मौत हो गई। मैं कोर्ट में आके सरेंडर कर दूंगा। नो कोर्ट, ओनली पनिशमेंट। यस सर, बिलाल का फाइल क्लोज। ओके। साई राम। हाँ बोलिए डैडी। तेरा काम बहुत अच्छा है। किस लिए डैडी? तू मार डालेगा तो तुझे प्रमोशन मिलता है। पर ये बात आप तक पहुंची कैसे डैडी? पर अगर हम मारते हैं तो हमें फांसी दी जाती है। इस बार तेरी प्रमोशन की गारंटी है। मेरी तरफ से भी रमेश को विश कर दो। हैप्पी बर्थडे रमेश। थैंक यू सर। अभी तुम कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल ही जा रहा हूं सर। नमस्ते रमेश भाई, हैप्पी बर्थडे। माँ सुबह से ही बहुत खुश है और खुशी खुशी सबको मिठाई बांट रही है। माँ, क्या रे आज के दिन मंदिर जाकर आया क्या? हाँ।
आजकल तू बहुत झूठ बोलने लगा है। हाँ, अच्छा ये बताओ तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। तुम भी इस बीच झूठ बोलने लगी हो माँ। पगला कहीं का। क्यों माँ इस जनरल वार्ड में हो? मेरी बात मानो, इसी हॉस्पिटल में एक अच्छा सा रूम ले लेते हैं। अरे सुन, हॉस्पिटल के अच्छे रूम से ज्यादा अगर तू अच्छा इंसान बने तो फिर मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। क्यों रमेश इतना डल क्यों लग रहा है? हाँ खाना। सर नमस्ते। सर सर सिग्नल प्रॉब्लम है, रमेश में भी है। सर एक बबलगम का पैकेट और एक ड्यूरेक्स कॉन्डम का पैकेट दीजिए। यहाँ पर ये सब नहीं मिलता है। तो फिर ये कहाँ मिलता है सर? पता नहीं सर, इस लड़की को जरूर पता होगा क्योंकि सर इस लड़की ने उस जाते हुए आदमी को फ्लाइंग किस दिया और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसको बराबर मालूम होगा। प्लीज यहाँ पर ऐसी बात मत कीजिए। ऐसी बात नहीं सर, गवर्नमेंट ने इतना खर्चा करके यूज कॉन्डम सेफ सेक्स की पब्लिसिटी कर रही है, क्या आपको मालूम नहीं? अगर मालूम होता तो लड़की पैदा ही नहीं होती। ए, वो लड़की तेरी बहन जैसी है। ए, बिल कितना हुआ? रमेश रमेश रुक जा रमेश रमेश क्या हो गया रमेश? उन्होंने मुझसे बदतमीजी की इसीलिए रमेश ने मारा। रमेश चल हॉस्पिटल चलते हैं। रमेश रमेश जल्दी कर। रमेश चल। Okay, I'm going Hello. To be putting you on antibiotics for about Bol a week. Good. And then, Haan. Cell phones are not allowed. ठीक है. Excuse me, cell phones are not allowed. बाद में फोन करता हूँ. Thank you. And after that, if you don't get well, then use these capsules for a week. Prescription that I'm going to give you, you have to follow it for 3 days. And after that, the medication... Hey, mister. सुन ले भेजा ना फिरा चले भीड़ू आ रहे ले हवा शानी मुझको आंखें ना दिखा अरे इधर आ हो ना घुमा स्टॉप इट वायु लेजी ना फतू रास्ता हे हनी जाओ ना तो क्या तू करेगी रे ए मिस्टर सुन ले भेजा ना फेरा ओके इधर आ हो ना घुमा अपन कोई गुंडा नहीं दीवाने हम है सुनो जिद पे क्यों है तू अड़ा काहे पड़ा है बिजू तेरे जैसी ना कहीं भी देखी हसीना मैंने तेरे जैसे टपोरी को भाव भला क्यों दूर मैं आज तू भले कह देना हाँ भी तुझको ही कहना है कर ले जितने भी जतन टाइम वेस्ट होगा तेरा ओ गो रमेश गॉड ने फोन कर तूने काट दिया कोई अर्जेंट बात है बात कर यहाँ सेल फोन पे बात करना अलाउड नहीं है एक्सक्यूज मी विल यू प्लीज लीव माय रूम जाओ
तुम बाहर जाओ, भाई को बात करनी है। निकल ले। हाँ तुमको शक्ति, तेरे से कह रहा हूं। हाँ समझ गया। ए भाई बहुत बिजी है अभी, बाद में बात कर। थैंक्स रमेश, शबनम के लिए तूने फुल एंड डिस्क लिया। शबनम के लिए नहीं, तेरे लिए। थैंक्स रमेश, आप कैसा है? ओके। सिर्फ ओके? सुपर्ब है। सुपर? बैंडेड नहीं, बांधने वाली की चीप पटाके डम डम है। ए तेरा दिल प्यार का दीवाना। बेटी संध्या, बेटी बेटी संध्या। पीट पापा। अरे तुम का कर रही हो ट्रैफिक जाम में? इधर आओ इधर आओ। अरे पोपट जेटी जगन, जेटी जगन, ड्राइवर से पूछो कि हम लोग किस एरिया में हैं। ओके सर। भाई ये कौन सी भाषा बोल रहा है? वो भाषा नहीं छोटे, ताशा बजा रहा है। वो एक बर्बाद लॉयर है और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। वो जिस तरह की हिंदी बोल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी हिंदी से जज को कंफ्यूज करके केस जीतते रहता है और इसी तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कभी इस फ्लैट कभी उस फ्लैट शिफ्ट होता रहता है। तुम्हें पता है उसने कितनों को बेवकूफ़ बनाया? अरे जगन ड्राइवर से पूछो एरिया कौन सा है सर। और अब ये किसी दूसरे फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। ये मुंबई में ऐसे ट्रैफिक खत्म नहीं होगी। इस शहर में गाड़ी आवे ले जावे ले और एक दूसरा से मिले ले, एक खून से पसीना आवेला। तो के पसीना बहुत था। पोछला पोछला पोछला, पकड़ा पकड़ा। भोजपुरी आवेला ना? भोजपुरी नहीं आवेला? हट बदमाश कहीं का, भोजपुरी नहीं मालूम? लड़का के खून पसीना आवेला का लगेला का? देखा था यारा, भोजपुरी पढ़ा जा, भोजपुरी लिखा का? भोजपुरी पढ़े के बाना लिखा संध्या। Keep going, please, keep going. अरे ट्रैफिक उधर जा, मैं तो इधर क्यों रुकवाया? अरे क्या बताऊं, मेरा लॉयर कितना भी बर्बाद क्यों ना हो, लड़की बहुत सहनी है, दिल का बहुत अच्छा है। सोशल सर्विस, वो देखो वो ट्रैफिक क्लियर कर रही है। ए जगन जल्दी कर, हमनी के जाए के बाद। ओके सर। ओके। चुब्बे रास्कल। Keep moving. अरे ये क्या कर रही है? ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है मां, वन मिनट। मां ऐसे सोचेंगी तो कैसे चलेगा, हम भी तो कभी फंस सकते हैं ना। अर्शद हाय, कहाँ पे हो? डैडी को फॉलो कर रहा हूँ, घाट कोपर के नजदीक हूँ। डैडी कहाँ पर जा रहे हैं उनको फॉलो करने के लिए विश्वनाथ सर ने कहा है। ओह ओके ओके गाइस, ध्यान रखना, बाय। हेलो डैडी,
एक वाइट सोमो आपका पीछा कर रही है जो हमारे डिपार्टमेंट की है. या जस्ट टेक केयर. अच्छा ओके देन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्कआउट हो गया. मतलब चंदू ने फोन किया कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है. नहीं, कार भगा, 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 स्लो जाने दे. ए, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा. ए, लेफ्ट पे पार्क कर, लेफ्ट पे पार्क कर, लेफ्ट, 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 लेफ्ट. ए, रिवर्स, 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 ला, 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 ला. ए, लेट्स गो, लेट्स गो, जाने दे, जाने दे. मिनिस्टर को मारने के लिए आप इतनी टेंशन में नहीं थे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के पीछा करने से आप इतनी टेंशन में हैं? इसमें डरने वाली बात नहीं है. ये जो पुलिस वाला है, इसको मेरे पीछे घूमना चाहिए. किसी को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, पर उनको थोड़ा वक्त मेरे पीछे घूमना चाहिए, वही मेरे लिए मजा है. समझ गए ना? नहीं. सुबह राजू, आप जल्दी नहीं समझते हैं ये बात, मेरे लिए बेमजा है. दरवाजा खोलो. अरे खोलो दरवाजा. अरे दरवाजा खोल. अरे क्या कर रहे हो? नमस्ते सर. यहाँ कोई नया आया है क्या? हाँ सर, आपके सामने वाले फ्लैट में आए हैं. खोलो दरवाजा. अरे तुम कहाँ जा रही हो बेटी? लिफ्ट डोर बंद करने जा रही हूँ. अरे पर तुम कहाँ जा रही हो? कोई और जाकर बंद कर देगा. वो दूसरा मुझे ही समझ लीजिए. आप यहाँ? क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने अभी आपको लिफ्ट के पास देखा था. मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और अभी तक सामान ओपन नहीं किया है. मैं आपके पास यहाँ एक कप शुगर मांगने आई हूँ. कप? अगर मेरे पास कप होता तो सिर्फ शुगर ही मांगती. यू आर राइट. या या थैंक्स फॉर शुगर एंड द कप. ओके बाय बाय. Actually, we forgot to introduce ourselves. No, Hi, I'm Sandhya. I'm Chandu. ठीक हो गया. अब जाइए. फिर कब आना होगा? You don't have to come. Just continue with the medicines. क्यों कम नहीं हुआ? नहीं जानता. ये तो दिन ब दिन कम होना चाहिए, पर बढ़ क्यों रहा है? नहीं जानता. लक्ष्मी, आई थिंक इट्स मेटाकार्पल कार्पल क्रैश इंजरी. तुम चुप रहो. आई थिंक दिस इज अ नकल क्रैश इंजरी. क्यों? नहीं जानता. ओके सर, आज से आपका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ. दो तीन दिन थोड़ा अनइजी लगेगा. अनइजी फील होता है. अरे डोर तो नॉक करना चाहिए था. डोर वाज ओपन. इधर भी ओपन है. अरे आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं क्या? नहीं, कभी कभी कपड़े पहन लेता हूँ. ओके, इट्स योर कप एंड शुगर. थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर. अरे अब क्या? नहीं, मैं बस वापस चांस के लिए. छह? नहीं सॉरी, ये चांस हफ्ते में सिर्फ एक बार. ओह ओके ओके ओके, सी यू नेक्स्ट वीक. या अरे क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? ए पागल हो गए हो? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी. समझ में नहीं आता ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को. चल पुलिस को फोन करते हैं. पुलिस के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ आपसे पड़ता है. जो है सो है, आप मुझे अच्छी लगती हैं. पापा क्या समझती हैं आप? जस्ट शट अप. व्हाट द हेल डू यू गाइस थिंक अबाउट योरसेल्फ? या
Just because you can speak Hindi does not mean you can do anything. Bloody goon. Hello, ma'am. I'm not a goon. I may not belong to the so-called metro section class. Don't judge people by their looks. Please, mind your words. I like you. Papa, I also know English like you. Oh, तो आप educated गुंडे हो. फिर तो मेरा impression पूरा खराब हो गया. It's confirmed. You like me. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Prove it. Bullshit. I'm not going to prove it. Papa, तुम मेरे साथ आकर एक कप कॉफी पियो, तब मैं समझूंगा तू मुझे पसंद नहीं करती. देखो, अरे मैं जाने वाली थी, ये कैसे चला गया? अबे ओए! क्या पापा? कहाँ जा रहे हो? कॉफी पी ली ना, पसंद नहीं करती, ये प्रूफ हो गया. बिल दे देना. What? अरे तू कहाँ जा रहा है यार? ट्रैफिक क्लियर करने के लिए. ट्रैफिक के लिए तू क्यों जा रहा है? सब ऐसे ही सोचेंगे तो क्या होगा? अबे क्यों आए हो जब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? ये बात इतनी आसानी से प्रूव करने से काम नहीं चलेगा. गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ. प्रूव इट. तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी. बुलशिट. पता नहीं कहाँ कहाँ से आते दिन बिगाड़ने, बड़ा प्रूफ करने चला है. पापा, दिल पर हाथ रखकर सोच लो, जिंदगी भर मुझे ढूंढती रह जाओगी. जाने वाली थी, ये कैसे चला गया? अबे ओए! कहिए पापा. अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ मूवी देखने आई ना, मुझे पसंद नहीं करती, ये प्रूफ हो चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा. भला ही लगता है. Hey, listen. आप क्या है पापा? Okay. Let's be friends. But just friends. Okay? Friends. सोच के बताता हूँ. What? सॉरी, क्या बात, सीरियस लग रही हो? ये मेरे डैडी के चीफ सर्जन हैं. आज मुझे कॉफी डे में जाना है, वरना वो मेरी इंटर्नशिप कैंसिल कर देगा. ओह, ओके ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सी यू. हाय संध्या, घर जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ. हाँ, लेकिन आप कौन? पहचाना नहीं क्या? उस दिन तो मिली थी. मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ? फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. मैं कौन हूँ? ओवर एक्टिंग मत करो, चलो. What? आप सब लोग ऐसे देख रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? ए, कौन है तू, क्या चाहिए? What is all this? मैं कौन हूँ, सच में नहीं पहचानती? कौन है आप? मैं आपका पड़ोसी चंदू. Oh my God! चंदू, I'm so sorry. मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती. मुझे नहीं पहचानती क्या? हमेशा तुम्हें अंडरवेयर में देखा है ना, सडनली आज सूट बूट में देख रही हूँ. इट्स अ शॉक. पहचान ही नहीं सकी. एक्चुअली फुल कपड़ों में भी अच्छे लगते हो, बट अंडरवेयर इज द बेस्ट. ब्लैक वन ना, दैट इज ऑलवेज बेस्ट. शट अप. सच कह रही. ए, सॉरी, कल जाते हुए प्रॉब्लम बता रही थी, अब हंस रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, कल रात पार्टी में बुलाया था उसकी गर्लफ्रेंड को टीज करने के लिए. हाँ, ऊपर से रात को उसे भगवान भी दिखाई दिए. कॉफी डे में जाना है, डिस्को में नहीं? हाँ, गलती हो गई. आप भगवान जैसे हैं, मालिक भी मेरी बहन जैसी है. भगवान ने कहा मैं उसकी बहन जैसी हूँ. आप सही बोला. यू नो, कभी कभी हम आदमी को पहचानने में कितनी गलती करते हैं ना. समझा करो.
चला और दिल हुआ गुमशुदा, जो हुआ है आज ये पहले तो ये ना हुआ। एक नया है आसमां, नई है जमीन, मिल के तुमसे यूं लगा तेरी थी कमी। पहली निगाह में हाँ भाग गई तेरी अदा। केस क्या है सर? यूटेल मार्कोस प्रिसेस जिंटा। प्रिसेस जिंटा? पहले प्रिसेस के बारे में बात करते हैं फिर जिंटा के बारे में बात करेंगे। ओके एक्चुअली सर ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है और ये लोग सात भाई हैं विदाउट फादर। फादर नहीं है तो फिर पैदा कैसे हो गया? इनके पैदा होते इनका बाप मर गया था। आई सी। इसकी पांच बहनें हैं। विदाउट मदर? नो, विद मदर। गुड गुड। इसकी पांचवी बहन जब इंडिया आई तो इंडिया के मुंबई एयरपोर्ट में अपनी पुलिस ने लड़की के हाथ में चॉकलेट देखकर ये सोचा कि ये ड्रग है और लड़की को अरेस्ट कर लिया। लड़की ने कहा कि ये ड्रग्स नहीं है, चॉकलेट है, अगर आपको यकीन नहीं है तो खा कर देख लो। चॉकलेट खाने के बाद सबको चक्कर आया और वो केस कंफर्म हो गया और उसे जेल में डाल दिया। जिसे चक्कर आता है उसी को ड्रग्स कहते हैं। अरे आप भी वही समझ रहे हैं सर। बैरिसिस आपने जो बताया मुझे नहीं, आपको। नहीं जाऊंगा। तो मैं जाऊँ क्या? नहीं। जरा सुनिए तो। चुप कर। भाई बहन बंधु हो सकते हैं, मिट्टी सोना नहीं हो सकता। पेरिसिस और लड़की ड्रग्स लेकर आई, इसका मतलब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब उस लड़की को हमको छुड़ाना है बस। इसका जो छोटा भाई है वो एयरपोर्ट में काम करता है, जहाजों की पेंटिंग करता है। इसके पिताजी की ज्वेलरी शॉप है और एक पोस्ट ऑफिस है, वो भी खुद का। तुमने जो बताया वो तो मर गया। उसकी बड़ी बहन ज्वेलरी शॉप में पैसे लेने के लिए गई थी। भाजी तरकारी खरीदने के ज्वेलरी शॉप काहे को जाएंगे? सर आप नहीं जानते, वो सिर्फ पैसा लेने गई थी। अब इसको समझ में आ गया है? हमको समझ में आ गया। प्रिंसेस मतलब टोटली वो लड़की ड्रग्स केस में अरेस्ट हो चुकी है, अब हमको उसको छुड़ाना है। Now I understand. I've helped Marcus. Ah, ndio. Nafurahi sana kuwa hapa. Hata sijui utanisaidia vipi. Lakini watatalo wala sijui nitaanzia wapi kwa sababu lakini kwa sababu fika hapa najua utanisaidia. Naomba ufanye jinsi yoyote ambayo utaweza. Sasa mimi hapo sahi. Kufanikisha swala hili. Mambo yamekuwa magumu ambayo kwamba sio haiwezekani. Asante. Nashukuru sana. Okay. Marcus. क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है। नहीं, प्रिंसेस की छोटी कहानी को भाई बहन बंधु हो सकते हैं इतना बड़ा करके सुनाया,
अब जिंटा एक बच्ची है, अगर ये भाई बहन की कहानी को फिर सुनाया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, मर जाऊंगा हम। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, आपने इसका केस लिया इसलिए आपको थैंक यू बोल रहा है। इतना बात के लिए इतना सा थैंक कहा? आप मुझे हर बार यही कहते कि ये लास्ट असाइनमेंट है, ये कितने सालों तक चलेगा? रमेश, ट्रस्ट मी, ये लास्ट असाइनमेंट है। पुलिस पर भरोसा नहीं करना, ये डैडी बोलते हैं। पर तुम भी तो एक पुलिस ऑफिसर हो। भूल गया, सॉरी। रमेश, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। आप मेरी बात नहीं समझते सर। पुलिस हो सर, और पुलिस को देखकर भागता हूं, गुंडाइज्म करता हूं। किसी दिन मैं भी डैडी की तरह बन जाऊंगा, इस बात से डरता हूं। What the hell am I doing here? ऐसी बात नहीं है रमेश, डैडी को पकड़ने मुझे तेरी पूरी मदद चाहिए। मेरी बात को समझो, डैडी का एक बड़ा डील होने वाला है और उसके सारे फंडर वहीं आने वाले हैं। इस वक्त अगर तू पीछे हट जाएगा तो एक दूसरा रमेश बनाने में मुझे पूरे 10 साल लग जाएंगे, बाद में तेरी मर्जी। रमेश, नहीं जानता और जानता तब भी नहीं। प्लीज, अभी ये मैं तेरे लिए लाया। अब क्या देख रहे हो? कैमरा, माइक्रोफोन? नहीं, ये एक सिंपल घड़ी है, बस तेरी गर्लफ्रेंड डॉक्टर महालक्ष्मी के पास टाइम से पहुंचने। महालक्ष्मी के बारे में आप कैसे? आई एम योर बॉस मैन। सॉरी गाइस, सबको अर्जेंट इसलिए बुलाया गया है, इस वक्त बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बॉम्बे बदर से डैडी की डील होने वाली है। कोई भी गल चाहिए, आप लोगों को डैडी का स्ट्रेंथ तो पता है ना। डील एक जगह पे, ड्रग्स एक जगह पे और डिलीवरी किसी एक जगह पे। कल इसी वक्त पर डील बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाली है। उनके मोबाइल टैप करते रहो, इस वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेट्स गेट अवर टारगेट। डैडी, रमेश, सुब्बाराव, गॉड, पोटेशक्ति, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ऑल राइट, लेट्स गो टू वर्क, कम ऑन। हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। हेलो, हेलो, सॉरी नाउ। डैडी, आज मुझे डिनर के लिए लेट होगा, आप कर लीजिएगा। मैं डिनर स्टार्ट कर चुका हूँ, अब रोकना मुश्किल है, मैं फिनिश कर दूंगा। अगर तू भी डिनर कर लेगा तो अच्छा है। गुड नाइट। जिंदगी में कभी शादी नहीं करनी चाहिए सर। बोतल दे। सर, इस एरिया के सारे सेलफोन्स हमारे सर्वेलेंस में हैं। गुड। बॉयज, डैडी पहुंच रहा है, अलर्ट रहो। अपने अपने सेलफोन इधर रखो। शक्ति किधर है? आपने ही तो बोला गाड़ी में बैठने के लिए। तू भी कार में जाके बैठ। मैं तुझे फोन करता हूं। रमेश, कॉल बॉम्बे ब्रदर्स। ओके सर, वायरलेस चैनल नंबर क्या है? 454530। या उसके गैंग के किसी आदमी को किसी ने मोबाइल फोन किया क्या? यस सर, मैं अभी चेक करके बताता हूं। ठीक है, तो इस एरिया में जितने भी मोबाइल से उन सबको चेक करो। यस सर। सर, फिलहाल अपने सर्कल में 3121 फोन एक्टिवेट है सर। अपने एरिया में 229 फोन वर्क कर रहा है सर। 10 मिनट दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूं सर। गुड। माय हार्ट इज बीटिंग। गॉड। हां बोल। वो दोनों हमें ही देख रहे हैं। कौन है वो दोनों?
generally the theory we believe, we call them facts. Facts which is believe, we call them theories. मतलब तू बहुत ग्रेट है छोटे. हेलो सर, वो आ गए. Our target is coming. Boys, be attentive. अरे डैडी कैसे हो? भाई साहब क्या हाल है? क्या हाल है? सिगार. माल अच्छा है? 100%. और क्या हाल है? डैडी ने कान में क्या लगा रखा है? बाहर पुलिस वाले वाकी टोकी में बात कर रहे हैं, जिसे सुनने के लिए डैडी ने कान में मशीन लगा रखी है. तुम लोगों को पुलिस फॉलो कर रही है. कीप ड्राइविंग. हम लोग जो भी बात कर रहे हैं डैडी वायरलेस में सुन रहा है. डैडी ये सब क्या हो रहा है? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बैठो. ठीक है, ठीक है. ए, वो जरा टेंशन में, उसका ख्याल रख. कीप ड्राइविंग. Sir, tell them operation is cancelled. Hello. Hello. Done. अरे देख लेना इधर उधर कोई है तो नहीं. यहाँ कोई नहीं है डैडी. बॉयज गार्ड, माल आ गया है. ये शक्ति, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू क्यों चिल्ला रहा है इतना? सुन सुन, शक्ति को बता दे कि माल अपना ही है. ओके डैडी. ये शक्ति, डैडी पूछ रहे कि माल बराबर है ना?
माल अपना ही है गॉड। हेलो, स्टॉप द डील, स्टॉप द डील। Boys, अंदर मत जाओ, come back. Yes, sir. क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? से चले जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में खाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। फूड बहुत अच्छा है। जेल का फूड इससे भी बहुत अच्छा है। हमारी इंक्वायरी खत्म हो गई है और हमें सच्चाई पता चल गई। तेरे आदमी लोग स्मोकिंग वगैरह करने को चले गए और अब तुम भी जा सकते हो। आई लव यू साईराम। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर पाए इसीलिए फील हो रहा है क्या? ना, ना ना ना, मैंने जो तेरे साथ किया उससे तेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, उसके लिए मुझे फील हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं ना। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं साईराम, तुम्हारे डिपार्टमेंट में मेरा एक आदमी है। और तेरे गैंग में मेरा भी एक आदमी है। मेरे गैंग में तुम्हारा कौन सा आदमी है मैं ढूंढ लूंगा, पर तुम मुझे पसंद आए ब्रदर। क्या है कि अभी ऐसा हुआ नहीं है, पर जो अब होने वाला है वैसा कभी होगा भी नहीं। असली मर्दानगी लड़ाई करने में नहीं बल्कि लड़ाई रोकने में है। एक जवान मर्द आदमी अगर दूसरे मर्द आदमी से लड़ाई करेगा तभी लड़ाई का मजा है। सचिन तेंदुलकर बांग्लादेश से खेलेगा तो क्या मजा आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा तभी मजा आएगा। इसी तरह अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तभी मजा। ऑल द बेस्ट। मेरे पिताजी की दो बीवियां हैं और मैं पहली बीवी का बेटा हूँ और मेरी माँ गुजर चुकी है। अरे रे रे।
मेरी दूसरी माँ के जो बच्चे हैं सारी संपत्ति उनके नाम ना हो जाए इसका मुझे डर है। सुनिए जी। हाँ आ रहा हूँ। वो तुम्हें नहीं हमको बुला रही है। ओ हाँ क्या है? वो लड़का आ गया, अगर शादी की बात उससे कर ले तो अच्छा होगा। अरे तू ज्यादा बकर बकर मत कर, अपना मुंह बंद रख। हाँ तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे माँ का दो पति जिसमें एक मर गया। नहीं नहीं हाँ। मेरे पिता की दो पत्नी है और मैं उनकी पहली बीवी का बेटा हूँ और मेरी माँ मर चुकी है। कहा बात है, काहे के बार बार बुलावे लू? मेरा एक इम्पोर्टेंट दोस्त आया, हम अभी आते हैं बात करके उससे। ओके अंकल। हाँ बोलो, तेरे बीबी के दो पति और पहला पति मर गए? नहीं मैं मर गया हूँ। काहे मजाक करते हो? अपना मुंह बंद कर। अरे सुनो तो मेरी बात है, बेचारा बहुत कंफ्यूज है किसका पति मर गया। चंदू का फोन? अरे चंदू का फोन तो हम उठा लाए हैं। डैडी चंदू के पापा, ऐसा क्या मैटर हो सकता है? हेलो चंदू के पापा। हेलो कौन है? मैं जीजा जी, पीसी सरकार लायर। सरकार? पर ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? चंदू का फोन है, चंदू के फोन पे फोन किया है ना, तो उसी पे बात कर रहे हैं। बहन कैसी है? तेरी बहन या मेरी बहन? मेरी बहन, तुम्हारी वाइफ। चली गई। कहाँ जाएंगी? जाने वाले आते हैं क्या? जाने वाले जाते हैं, आने वाले आते हैं, होनी कभी नहीं टलती। आप सब कुछ जानते हैं ना, ये दुनिया सारी कैसी जी रही है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। भाई बहन बंधु हो सकते हैं, तुम लोग दुनिया मुश्किल में कर लो। अरे कौन से भाई बहन बंधु यार, किसको बदला है? पर्वत कभी अपनी जगह सहिला है? नदियाँ कभी अपना रुख बदल सकती है? बताइए, नमक नमकीनी होता है? नमक क्या हो? कभी मीठा हो सकता है? भाई बहन बंधु हो सकते हैं, हम शाकाहारी हैं, शेर हमेशा नॉन वेजिटेरियन होता है। फोन चंदू को दो। चंदू के फोन से बात कर रहे हैं, शेर की बात पूछिए, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अगर हम उनसे कहें कि गलत है, अगर शेर को हम पार्ले जी खिलाएं तो क्या वो खाएंगे? अगर हम उनसे कहें कि अपने हाथ को खा जाए तो वो खाएंगे? ए चुप करके चंदू को फोन दे। चंदू डैडी का फोन। हाँ डैडी बोलिए। हाँ ए क्यों तुझे मैंने पुलिस ऑफिसर बनाया? हाँ तुम कचरे में ही रहने लायक हो। हाँ डैडी सच। चंदू हाँ इज एवरीथिंग ओके? हाँ एवरीथिंग इज ओके। ओके ए 36 24 36 अपनी उस गर्लफ्रेंड का पीछा छोड़, पहले वो पुलिस इन्फॉर्मर कौन है उसका पता लगा। समझ गया डैडी, ठीक है एक काम करो, आपके गैंग में जो भी उनके फोटोज और डिटेल्स लेकर तुम PVR आ जाओ, मैं अपनी पुलिस फाइल्स मैच करके वो कौन है जानने की कोशिश करता हूँ। हेलो ट्राई नहीं काम करके दिखाओ, समझ गया? रात को जो मैंने बताया था वो बिल्कुल कंफर्म है, हमारे डिपार्टमेंट में ही डैडी का कोई इन्फॉर्मर है। डैडी सुबह शाम रात कहाँ जाता है उसको फॉलो करो। गौड़ तेरा पूरा नाम अमिताभ बच्चन है? अमिताभ बच्चन गौड़। और बाप का नाम क्या है? दिलीप कुमार गौड़। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार, कोई राजकपूर भी है क्या? अरे छोड़ना, ज्यादा भेजा मत खा। भेजा होगा तो खाऊंगा ना। डैडी ने सबको अपना नाम और करेक्ट एड्रेस देने को कहा है, बोले तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो सबको बैंकॉक भेजना चाहते हैं। कौन सी बैंक? बैंकॉक भाई। अबे बैंक एंड कोक नहीं, बैंकॉक। अरे कोई भी कोक होगा भाई, लो फॉर्म भर दिया साइन कर दो। सब गलत लिखा है। क्या लिख रहा है? ये एप्लीकेशन रखने का कवर है, बॉडीगार्ड्स लिखा हूं। स्पेलिंग यही है क्या? BADAG धत तेरे की। इस शबनम के चक्कर में ची पटाके डम डम दे मुझे। हाँ इस पे भी साइन करोगे क्या? BODYGUARDS। तो मेरे में क्या फर्क है? जितना मर्द और औरत में होता है। बीच का है क्या? अपने गैंग के हर आदमी से भी ज्यादा मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, इसीलिए जो अपने गैंग में है उस धोखेबाज पुलिस वाले को पकड़ने की जिम्मेदारी तुझे देता हूँ। Thank you.
हर्षद बस यहीं पास में हो। इवनिंग वॉक। क्यों सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है यार। ओके बाय चल। ओके क्या कहती है शबनम? शादी करने को बोलती है। रमेश भिंडी बाजार के कलेक्शन में 50 लाख कम है। क्यों रे, तू उस गुजराती को जानता है ना? तूने उसको बोला नहीं क्या?
क्योंकि शबनम पीवीआर में मेरा वेट, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। शक्ति। रमेश, डैडी आ रहे हैं। डैडी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने गुजराती का कलेक्शन ले लिया। थैंक्स रमेश। फिर कभी ऐसा मत करना। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम कलेक्शन के लिए शबनम को भी साथ ले जाऊंगा, प्रॉमिस। सर, हमारे खास छानबीन की यूनिट में एक धोखेबाज पुलिस, वही डैडी का आदमी है, पता चला है। यस सर। तुम्हारे बैच के सारे कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। तुम्हारा रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, प्लस मिस्टर विश्वनाथ ने स्ट्रॉन्गली तुम्हें रिकमेंड किया है। सो उस गद्दार पुलिस वाले को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सॉरी टू डिस्टर्ब यू चंदू, तुमसे एक स्टूपिड सा सवाल कर रही हूँ। स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये क्या पूछ रही हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड चंदू। डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी। थैंक यू सो मच चंदू। एक और वाई एस सवाल पूछूंगी, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है? संध्या, मैं बिजी हूँ, ये स्टूपिड सवाल क्यों पूछ रही हो? ओके, एम एस धोनी। हो गया या कुछ और पूछना है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, शिवा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? राम गोपाल वर्मा। 100%? 100%। जैसे ये जवाब सच है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्रेम करती हूँ, ये भी उतना ही सच है। तू पागल है। नाम क्या है उसका? हम लोगों पर जिस पुलिस वाले की नजर है उसे मैं समझ गया हूँ। कैसे? जिसकी निगाहें कहीं और होती हैं और निशाना कहीं और जो हमारे हर काम पे चोरी छुपे नजर रखता है, वही पुलिस वाला। समझ गया? मिलियन से डाइफिल फेल, बट यू टर्न द मल्ली वन टू आस्क व्हाई। मतलब तू बहुत समझदार है। वो देख। अरे वो तो नंगे खड़े हैं। नीचे देख, नीचे। अरे नीचे क्या देखता है, उधर भी वैसा ही है। अरे स्टैचू नहीं, नीचे आदमी को देख। भले ही वो हमें नहीं देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान हमारी तरफ है। मतलब? वो पुलिस वाला है। To erase human, to forgive is divine। मतलब? तू साला ग्रेट है रे। ओ। टेस्ट एकदम करेक्ट होना चाहिए। हाँ रमेश। इस बेकार डील के लिए तू ठीक नहीं है। इस डील के लिए मैंने सब नए आदमी लगाए हैं। एंड हॉलिडे टुडे, एंजॉय विद योर गर्लफ्रेंड। यू आर ट्रस्टेड एस मैन। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज द टाइम? अच्छा छोटे, उसने हमें देखा मगर ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? लेडी पुलिस। रमेश तू पुलिस वाला है? जिसकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है, जो हमारे हर काम पर चोरी छिपे नजर रखता है, तू वही पुलिस वाला है, ऐसा अपना छोटा बता रहा है। हाँ दोस्त, मैं पुलिस वाला हूँ। कहाँ जा रहे तू? आज की डील में डैडी ने सभी नए आदमियों को रखा है ना। फुल्ली चीप अटा के डमडमा। मैं जा रहा हूँ। ओके। सायनाम। हाँ तो सुन, आज होने वाली अपनी डील के लिए जो गैंग में है उसे अलग अलग जगह पे दे दिया है। और जिस जगह पर जो काम कर रहा है उसमें पुलिस वाला कौन है पता लगाया जा सकता है। गॉड। आज हमारी डील बंगालीपुरा में है। याकूब। आज अपनी डील तिलक नगर में है। इस बार डील में तू नहीं जाएगा। रमेश, इस बेकार डील के लिए तू मत जा। हेलो। डील के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाय रमेश, व्हाट हैपेंड? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें देखना चाहता था इसीलिए। सब ठीक है ना?
मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या तुम जानती हो? कुछ कुछ जानती हूँ। फिर भी मुझसे प्यार करती हो? यही पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? तो फिर यहाँ क्यों आती? माँ कैसी है? मैं माँ के पास ही जा रहा हूँ। ड्यूटी खत्म होते ही मैं इवनिंग को हॉस्पिटल में आती हूँ। सी यू। बट यू वांटेड टू से समथिंग। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। बिकॉज आई लव यू बेस्ट इन द वर्ल्ड। तुम बिल्कुल ठीक हो, शुक्र है तुम्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें खुश रहने के लिए कहा है। बताओ माँ मैं क्या करूँ? अरे मेरी बात मान, तो शादी कर ले, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ तुझे मैं इससे भी बड़ी खुशी की बात बताता हूँ। कहना नहीं चाहिए फिर भी बताता हूँ, बता रहा हूँ माँ। माँ मैं सच में एक पुलिस ऑफिसर हूँ। आई एम अ कॉप, एन अंडरकवर कॉप माँ। रमेश अरे इतने दिनों से पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तुझसे मैं कहती थी ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस ऐसे। माँ डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ जी से कहलवाऊंगा, तब तो मानोगी ना, तब तो मानोगी ना। रमेश अभी उन्हें लाता हूँ, बुला के लाता हूँ, अभी बुला लाता हूँ, आता हूँ मैं। सर अभी मुझे फैक्स मिला है, इस वक्त चर्च गेट पर पॉलिटिकल मीटिंग कैसी सर? ये मैं भी जानता हूँ। सर आप ये भी जानते हैं कि सारे बांग्लादेशी एजेंसी उधर ही। हेलो सर, मिलना है, अर्जेंट है। क्या अर्जेंट है? डैडी हैं? ओके सेम प्लेस, तुम पहुँचो, मैं भी जल्दी पहुँच रहा हूँ। ओके हेलो अर्शद। हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे हो? मैं ऑफिस के पास हूँ। तुम विश्वनाथ जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखो। विश्वनाथ जी हमारे बॉस हैं यार। मैं जानता हूँ, विश्वनाथ जी डैडी के आदमी है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तुम चुपचाप उन पर नजर रखो, ओके? डोंट गेट इमोशनल अबाउट इट, बस पीछा करो। ओके सर, गेट इन। चलो वो 9th फ्लोर पर गए हैं सर। ठीक है तुम वहीं पर इंतजार करो। हेलो डैडी। इतना अर्जेंसी में बुलाया, ऐसी क्या न्यूज है? सर मेरा वहां रहना ठीक नहीं, डैडी किसी की नहीं मानता। रमेश योर सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल टेक केयर ऑफ यू। सर आई नीड योर फेवर, टेल मी। आई नो इट्स अगेंस्ट द लॉ। बोलो। सर मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मरने से पहले मैं उसे खुशी देना चाहता हूँ सर। आप एक बार आकर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ ये बता देंगे तो माँ खुश हो जाएगी। प्लीज सर, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगा। हाँ प्लीज सर। श्योर। रमेश किधर है तू? बोल क्या बात है।
अपने गैंग में जो पुलिस वाला उसका पता चल गया है, तो जल्दी से सिटी सेंटर आ जा। सर, उनको हमारे बारे में पता चल गया। चंदू, डैडी के गैंग वाले आ गए हैं। ए, तुम लोग सीढ़ियों से जाओ। ओह शिट। रमेश लिफ्ट। ये इसे अंदर रखो। लगता है वो लिफ्ट में। कम कम। रमेश, तुम पीछे से चलो। सर आप? मैं कमिश्नर हूँ, वो जानते हैं। तुमको मेरे साथ देख लेंगे तो तुम्हारे लिए डेंजर है। सर, माँ? मैं माँ से बात करूँगा। टेक केयर सर। गुड केयर। हाँ, हेलो, माधवी। हाँ, मैंने देखा है। फ्लैट ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग कुछ पुरानी है। मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? यस। तो पास बिल्डिंग, जल्दी। रमेश, अरे बस ये डोसे का टेस्ट तो देखो। रमेश, ऐसे नहीं, चल चल चल, मुंह खोल। रमेश, ये पैसे रख लो तेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इस लड़ाई में मैं मर गया तो? कोई रहे या ना रहे, ऑपरेशन होमम नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। रमेश, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ डैडी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और कुछ भी नहीं। चलो।
सर ये क्या हो गया? मैं डिपार्टमेंट के सिवा और किसी को नहीं जानता सर। जाने अनजाने आपकी मौत का जिम्मेदार मैं भी था सर। आई मिस यू सर। सर कोई रहे या ना रहे ये मुहिम नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी सर। मैं डिपार्टमेंट की कसम खाता हूं इसे मैं पूरा करूंगा। कहाँ है विश्वनाथ साहब? माँ विश्वनाथ जी शूटआउट में मारे गए। अरे ये तेरा विश्वनाथ कौन है ये मैं नहीं जानती, लेकिन तेरी बातों से लगता है कि मैं मर जाऊंगी। माँ क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ नहीं अब मुझसे झूठ मत बोल, अब रहने दे। माँ मेरी बात तो देख माँ, मैं सच में एक पुलिस ऑफिसर हूँ माँ। आई एम अ नडक वर्क कॉप माँ, मतलब सीआईडी ऑफिसर। अब मैं कैसे समझाऊँ? देख माँ देख, पुलिस अकेडमी में मैंने क्या क्या सीखा बताता हूँ। सबसे पहले माँ माँ इसे सावधान कहते हैं, इसे सल्यूट कहते हैं, और माँ ये दाएं मोड़, और माँ ये देखो माँ ये देखो, और माँ लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। माँ देखो माँ ये गन इसमें इसमें बुलेट होते हैं, इससे हम अपराधियों को मारते हैं। मैंने काफी अपराधियों को मारा है माँ। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आई एम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस हूँ माँ, इंडियन पुलिस सर्विस। माँ डॉक्टर ने खुश रखने के लिए कहा है माँ, लेकिन मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूं। चला जाता हूं मैं, तुम खुश रहना माँ। रमेश, अरे तुम यहाँ कब आई? किससे मिलने आई हो? बाबू को मुझ पर विश्वास थे। मुझे विश्वास है। मैं माँ को समझाऊंगी। ठीक है तुम माँ के पास जाओ। हाय संध्या। हाय चंदू, कम इन। तुम्हारे पापा हैं, उनसे बात करनी है। नहीं कोर्ट गए हैं और माँ टेंपल गई हैं। हिंट हिंट, लीगली कोई नहीं है, इलीगली तुम बोल सकते हो। चंदू चंदू प्लीज प्लीज लीव मी, चंदू चंदू लीव मी। ये क्या तुमने छोड़ दिया? तुमने तो कहा था रब बैंड निकालो, मुझे पकड़ो, मुझे चूमो, सब मैं ही बताऊं। प्यार करना नहीं आता क्या? आजकल तुम बहुत बोलने लगी हो। फोन जानता हूं। हेलो मिस्टर चंद्रशेखर, मैं जयराम बोल रहा हूं। यस सर। विश्वनाथ जी के बारे में मैं जानकारी चाहता हूं, तुम फौरन यहां आ जाओ। ओके सर। विश्वनाथ जी को तुमने फॉलो क्यों किया? सर विश्वनाथ जी को फॉलो करने के लिए मुझे चंदू सर ने ऑर्डर दिया था सर। डीडीओ? यस सर।
विश्वनाथ जी को फॉलो करने का ऑर्डर मैंने दिया था सर। मगर क्यों? सर, हमारे डिपार्टमेंट में डैडी का आदमी कौन ही है जाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। सो आई हैव टू फॉलो विश्वनाथ सर। मतलब विश्वनाथ जी डैडी के आदमी थे? कहना नहीं चाहता पर शक था। Stop it! What is this nonsense? Huh? तुम लोग पागल हो गए हो? अपनी जिम्मेदारी भूल गए हो? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होकर जूनियर पे हाथ उठाते हो? Shameless! सर, मैं इस टीम में नहीं रहना चाहता हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। ओके, तुम्हें अभी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करता हूँ। गो। थैंक यू सर, थैंक यू। हट। हेलो। हाँ चंदू। हाँ डैडी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये हंगामा उस नायक का तो नहीं जिसका ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में हुआ है? ये खबर आप तक कैसे पहुंची डैडी? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने डीसीपी से जो शाबाशी ली है ना, वो इम्पोर्टेंट है। डैडी, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, बॉम्बे ब्रदर्स की डील के बाद। इस सिचुएशन में डील? डैडी, अभी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। सारे डिपार्टमेंट में विश्वनाथ जी की मौत को लेकर मुझे ब्लेम किया जा रहा है। डैडी, डिपार्टमेंट में विश्वनाथ जी के मरने पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन विश्वनाथ सर को मारना नहीं चाहिए था। ए, चुप चुप कर। मैं उसे कब से मारना चाहता था। उसकी मौत से खुश होने की बजाय तू मुझे लेक्चर दे रहा है। ए, तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट की कंसंट्रेशन उसकी मौत पर लेकर भंग हुई है, इसलिए मैंने डील रखी है। मैंने ये तुझसे पूछा क्या? अरे, अपने गैंग में वो पुलिस वाला खबरी कौन है ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ चंदू, तू विश्वनाथ की मौत का मातम मना रहा है बेवकूफ। पर तेरे पे ब्लेम होने से मुझे क्या साले? तेरी वजह से ऑलरेडी बॉम्बे ब्रदर की डील पहले फेल हो चुकी है। अगर कल ये डील नहीं हुई तो मेरी कंपनी की इज्जत जा सकती है। डैडी, डैडी मेरी बात तो सुनो। जा, तेरी बात मैं सुनूं? ये कब से तू जो काम कर रहा है ना, सिर्फ मेरे लिए। ए साला, कचरे में पैदा हुआ है, कचरे में ही रहेगा। तू ही है वो धोखेबाज पुलिस वाला। ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता, ये मत भूल। कल को तेरे डिपार्टमेंट में मैं खतरा ना बन जाऊं ये सोच ले। ओके डैडी। ए चंदू, तेरे को फील हुआ? नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हुआ डैडी। फील होगा भी तो क्या उकाड़ लेगा। छोटा शक्ति कैसा है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। रेस्ट कर। तो मैं जानता हूं तो ही गद्दार पुलिस वाला है। मैंने गलती से तुझे सिटी सेंटर कहा था, लेकिन तू करेक्ट टोपास बिल्डिंग पहुंच गया। तभी मैं समझ गया था तू ही वो गद्दार पुलिस वाला है। डैडी, मैं अकेले में बात करना चाहता हूं।
रमेश, तुझसे बात करनी है, वेट कर। दिनों तक मेरे पास रहकर मुझे ही बेवकूफ बना रहा था ये छोटा शक्ति। वो पुलिस का खबरी छोटा शक्ति ही है। इसका सदमा मुझे भी है, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मरने वाला अपना शक्ति नहीं था, पुलिस वाला था। अरे गुड न्यूज है। हाँ डैडी, बोलो। अपना वो धोखेबाज पुलिस वाला मर गया। आज हम लोग फुल पार्टी मनाएंगे। क्या बात है, जाओ ऐश करो। वाह, कंग्रेचुलेशन डैडी, ग्रेट। जकास फुल आइटम है बाबा। ए पगले तू सुन ले, कोई गुनाह आ कर ले। ए पगले तू सुन ले, कोई गुनाह जरा आम मस्ती में, सेक्स लुक है मेरी बाहों में तू भर ले। डे नाइट मजा ले, डे नाइट मजा ले, डे नाइट मजा ले, डे नाइट मजा ले। ए पगले तू सुन ले। अरे ओ सही बोला ना निंदा जी, मस्ती में जी, चार दिन की जिंदगी है, खुशी से काटो। कुछ तो बोल जीजा के साले। अरे आग लगी है तो उसे बुझाना भी तो चाहिए रे, समझा? नहीं समझा क्या साले, समझाओ क्या? ए सिगरेट स्मोकिंग किसी की खुशी छीन ले, छीन ले। ये वोट का ये जन से दिल की अगन ना बुझे, ना बुझे। रोमांस जो ना तो लाइफ में कुछ ना रे, इश्क में तो राजा चीले मर ले। ये सच है दीवाने पगले। ओ बनी तो बनी रे, बनी रे, बनी रे मनी ये हनी बाबा। सीक्रेट बातों को सीक्रेट ही रहने दो, रहने दो,
रातों की तन्हाई में तन्हा बिस्तर काटे रे दिल को अकेला रखना कर ले यारा लव तन्हाई में भी हिम्मत देगा तुझको लव ये सच है दीवारे पगले हो बनी तो बनी रे बनी मनी या हनी पापा इस लेक में पानी बहुत ठंडा है लाइक मिल्खा सिंह आई कैन स्विम लाइक दिस सडनली विश्वनाथ जी का मरना रियली बिग लॉस रमेश तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है क्या करना चाहते हो तुम पुलिस ऑफिसर हो ये कैसे प्रूव करोगे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी आइडेंटिटी हमारे डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर है उसमें कोड के साथ लॉक है कल ही विश्वनाथ जी की पत्नी से मिला था बहुत दुखी थी रमेश उनको तुम्हारे अंडरकवर कॉप होने का पता है पता है I'm sorry. I'm really sorry for your loss. वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार पुलिस ऑफिसर थे ये विश्वनाथ जी का इंश्योरेंस चेक इधर से गुजर रहा था तो सोचा देता चलो ट्रस्ट मी मैम अगर मैं वहाँ पर होता तो उन्हें बचा लेता डैडी के गैंग के लोगों ने विश्वनाथ जी को एक पता नहीं क्या करने कहते वो वो मर गया ये नहीं हो सकता वो कल ही आया था कौन है वो सीक्रेट पुलिस ऑफिसर नहीं वो जिंदा है आई मीन मैं उसे मिलना चाहूंगा अगर आप बताएंगी तो मैं पहचान लूंगी पर बताऊंगी नहीं प्लीज आप मुझे बताइए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए विश्वनाथ जी ने बात बताने के लिए मना किया था प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड
हेलो, कौन हो तुम? आई एम चंदू, चंद्रशेखर, एसपीएस, सीक्रेट पुलिस सर्विस। अब विश्वनाथ जी का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। विश्वनाथ जी तुमको बहुत पसंद करते थे, उन्होंने बताया था कि आप उनके मिसेस से भी मिल चुके हैं। अच्छा, विश्वनाथ जी के मरने के बाद आपने डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसे ज़रूरी नहीं समझा। देखिए, आप विश्वनाथ जी के डेथ को पर्सनली ले रहे हैं। विश्वनाथ सर वुडंट वॉन्ट टेक लॉ इनटू द हैंड्स, ओके? चाहते क्या हो? आप विश्वनाथ जी को जिस तरह से कोऑपरेट करते थे, आई वॉन्ट यू टू कोऑपरेट विद मी। आई होप यू आर लिसनिंग। हमें डैडी को फिनिश करना है, मैं उनका खात्मा करना चाहता हूँ, बट सिर्फ तुम्हारे कोऑपरेशन से। आप धक्का क्यों दे रहे हो सर? यहाँ जो पहले खड़ा रहेगा वही बस में पहले चढ़ेगा, इसलिए खड़ा हूँ। यूजलेस उल्लू का पट्टा। आप इसे जानते हो सर? नहीं, अभी पता करता हूँ। मतलब अरे अरे ए, चला रे, बस फुल हो गई है। हाँ डैडी, तेरे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे कितने फैंस हैं इस बात का मुझे अभी पता चला। क्या हुआ डैडी? मैंने तुझसे कहा था ना कि कोई पुलिस वाला मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं फिर वो? डैडी, मैंने आज ही इंटायर टीम को पनवेल भेजा है, तो आपको फॉलो करने का कोई चांस ही नहीं है। इस बार एक ही जगह पर दो डील कर रहा हूँ, मुझे इस डील में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। पिछली बार पैसा और इज्जत दोनों गई है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुलिस फैन को रोको इडियट फेलो। ओके डैडी। यूज़लेस। हेलो हेलो अर्शद, तुम या तुम्हारी टीम कहीं डैडी को फॉलो तो नहीं कर रहे? नहीं यार, नायक की टीम फॉलो कर रही है। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, बाय। डैडी को फॉलो करने के लिए अगर नायक को कहा तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, अगर उसने फॉलो किया तो डैडी के लिए खतरा होगा। डैडी को डील कैंसिल करने को कहा तो वो भी नहीं मानेंगे। अब ये डील कहाँ चल रही है इसका सही पता देने वाला डैडी के गैंग में वो ऑफिसर ही है, जल्दी उसे बताना होगा। हेलो। हेलो ऑफिसर, या लिसन केयरफुली, आज की डील के बारे में मुझे बताओ तो। डैडी को रेड हैंड अरेस्ट करने को डिसाइड किया है, उस डील के होते ही आप इमीडिएट वहां से हट जाना, क्योंकि आप कौन है कैसे हैं ये हमारे डिपार्टमेंट कोई नहीं जानता। सपोज आपस में उसे टकराव हो गया तो आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, मैं आपको खतरे में नहीं डालना चाहता, आप समझ गए ना? कल मॉर्निंग 10 o'clock आकर आप अपनी आइडेंटिटी ले लीजिए, ओके? ओके। डैडी को किसी तरह बचाना होगा, नायक को किसी तरह समझाना होगा। यस। सलाम साहब। सलाम साहब। सर, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि डैडी रोड नंबर 12 से गुजर रहा है। ये है लेमिंगटन रोड, एंड फ्रॉम देयर ग्रांट रोड से चलकर यहाँ तक 10 मिनट लगेगा, ओके? सर, सर, नायक सर, सर, से समथिंग, आई एम टॉकिंग टू यू। ये केस मेरा नहीं है, सुन रहे हो ना? सर, मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए मिस्टर चंद्रशेखर साहब, ये जूनियर के साथ मैं इन्वॉल्व ना रहूं, जयराम सर ने कहा है, ये मुझे अच्छी तरह याद है। इज इट क्लियर? सर, सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। विश्वनाथ जी ने डैडी के गैंग में अपने जिस आदमी को रखा था वो अभी तक जिंदा है, वो डैडी के पास ही उसने इन्फॉर्मेशन पास की है। आपकी टीम ने फॉलो किया तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। प्लीज प्लीज ट्राई टू हेल्प मी सर। ठीक है, अगर हमारे आदमी कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। ए, तुम लोग करोगे? We'll be right back.
सर, डैडी को फॉलो करने वाली आपकी टीम को मैंने डाइवर्ट कर दिया। मुरली। यस सर। दादा, सर मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डैडी को हम करेक्ट फॉलो करेंगे तो हम उसे इजिली अरेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन नीलिंग डाउन फॉर गुड। हेलो कंट्रोल रूम, टाइगर हियर, टाइगर हियर। पाले हिल सर। मुरली, पाले हिल। एंड टॉप हिल सर। यस सर, पाले हिल। मुरली, मलाबार हिल। सर, मलाबार हिल। मुरली, मलाबार हिल सर। टाइगर हियर, लोकेशन पाली चेक पोस्ट, लोकेशन पाली चेक पोस्ट। कैसे हो बापू? देखो भाई, गुड कंडीशन, बहुत बढ़िया है। और ये खुश हो जाओगे। आर यू श्योर ऑफ व्हाट आर यू डूइंग? यस सर। राजू, गिव इट टू मी। हेलो, हमको मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डैडी इस वक्त मेगा मॉल में है। तुम और तुम्हारी टीम मेगा मॉल को जितनी जल्दी हो सके बैग से कवर कर लो। नायक सर और टीम आर गोइंग टू कवर फ्रॉम मेन एंट्रेंस। मेरे बोलने तक तुम और तुम्हारी टीम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कम ऑन गाइस, कम ऑन, मूव इट फास्ट, स्ट्रेट। चंदू सर, उनसे अनटॉपिल कहा और मुझे कुछ और लिख कर दिया। व्हाट इज ऑल दिस? सर, डिपार्टमेंट में आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। सर, यू टेक द मेन एंट्रेंस, आई विल गेट इट स्ट्रेट। डैडी ने मुझे यहीं रुकने को कहा है। बचपन से मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने अपनी जिंदगी से, अपनी नौकरी से रिस्क लेकर तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा। लेकिन इस बीच तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जानते हो तुमने क्या गलती की? तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नहीं जाने तुम ये चाहते थे, यही तुम्हारी गलती थी।
आज से जुर्म करने वाला भी मैं ही हूं और सजा देने वाला भी मैं। अंदर और बाहर आई एम द बॉस, दोनों खेल मैं ही खेलूंगा। प्रिबिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, यू ओनली क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल पुलिस। आई एम द बॉस, आई एम द बॉस। तुम ये राज जाने बिना ही मर गए। हेलो। हेलो रमेश। ओ माय गॉड, थैंक गॉड यू आर सेफ। अभी मैंने न्यूज़ देखी। डोंट वरी पापा, आई एम सेफ। रमेश, आई थिंक यू आर अ रियल हीरो। अभी तो सिक्के का एक पहलू देखा है, दूसरी तरफ और बहुत कुछ है। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट तुम और मैं। मतलब? आई वांट टू मीट यू। और बोलो। I want to kiss you. मतलब? अकलमंदों को इशारा काफी है। इशारों से काम नहीं चलता। कभी तुम्हें यूं देखा ना था जैसे आज देख रहा हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या सोच रहा हूं? तुमने जो मुझे पूछा सर सर चढ़ने लगा है नशा, जर जर बस में नहीं है जिया। हाय रब्बा, तीर नजरों का जरा जरा यू मुझे देखो ना, जरा जरा टूटना सब्र मेरा। हाय रब्बा, छेड़ गया दिल का रे, दिल मेरा जो बहका रे, फिर रोकना मुश्किल होगा ये तूफान। हाय रब्बा, तुमने जो मुझको छुआ जरा जरा जाने लगा है नशा, जरा जरा बस में नहीं है जिया। हाय रब्बा, तेरी नजरों का जरा जरा ये मुझे देखो ना, जरा जरा टूटे ना सब्र मेरा। हाय रब्बा, रात की कभी सुबह ना हो, इस पल को अभी यही थम। लम्हा यही थम गया है ये, कुछ ना कहो कुछ ना सुनो। हाय रब्बा, हाय रब्बा, कर दो पार
देखो दिल में जरूर का जरा जरा ये मुझे देखो ना जरा जरा तेरे नसबर मेरा हाय रब्बा देख के चलना आओ यार तुम चंदू सुनिए मेरी बात देखिए मैं हेलो हर्षद मैं हूँ चंदू देखिए अब क्या डैडी का आदमी रमेश आया हुआ है मैंने उसे बुलाया छोड़िए ना ये तुमने बुलाया था हाँ उसे मैंने ही बुलाया है उसे मेरे रूम में बैठा मैं आ रहा हूँ ऐसे हथकड़ी ओके मैम सी यू देखो चंदू एग्जैक्टली 2 आवर के बाद मैं यहाँ आऊंगी आई वॉन्ट वेट हियर डायरेक्ट तुम्हारे घर आऊंगी हाँ लास्ट टाइम की तरह मैं नहीं करूंगा मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट मेरे दोस्त किरण और साक्षी किरण की इज्जत भी लास्ट टाइम की तरह नहीं निकालूंगा और टिकट्स 100% टिकट मैं ही लूंगा तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लाऊंगा तुम्हारे लिए पेप्सी लाऊंगा तुम्हारे लिए डाइट कोक लाऊंगा अगर फिल्म अच्छी नहीं रही तो झंडू बम भी लेकर आऊंगा ओके सो स्वीट आई लव यू और थोड़ा स्वीट हो सकता है या ओके और थोड़ा आई थिंक इट कैन बी मच बेटर नो या सो स्वीट एक्चुअली कूल ना एक बार और चंदू प्लीज एक बार तुम पागल हो गई हो क्या मुझे जाने दो मुझे रमेश चंदू हे नाइस मीटिंग यू मैन कम कम प्लीज प्लीज सिट अब क्या करूं आपको सैल्यूट करूं नो प्रॉब्लम ग्रेट अचीवमेंट मिस्टर रमेश डेडिका केस आपने सॉल्व किया विश्वनाथ जी होते तो अच्छा होता एनीवे यू डिजर्व मेडल ऑफ मेरिट इन सब की मुझे जरूरत नहीं आई जस्ट वांट माय आइडेंटिटी आई लाइक मिस्टर विश्वनाथ वेरी मच आई मिस हिम स्मॉल फेवर आप मेरे साथ हॉस्पिटल आकर मेरी माँ को मेरी ट्रू आइडेंटिटी बताएंगे या श्योर मिस्टर रमेश डेफिनेटली आइडेंटिटी बताने के लिए दोनों मिलके चलते हैं बट व्हाट इज योर पासवर्ड होमम होमम ऑपरेशन होमम इज योर पासवर्ड शिट यू विल हैव योर आइडेंटिटी इन 2 मिनट्स ऑफिसर आई जस्ट बी बैक
माँ की तबीयत खराब है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। डैडी ने कभी तुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तेरी हर बात को उन्होंने टेप किया। ये तेरा बैड लक है, अब वो मेरे हाथ में है। ए, ये टेप रिकॉर्डर और सीडीज कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो करना है कर ले। ये बात है, देखना है तो किसी भी न्यूज चैनल पर देख लेना। रमेश रमेश प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे ये सब करना पड़ा। रमेश रमेश प्लीज, तुम एक कच्चे पुलिस ऑफिसर हो, डिपार्टमेंट नीड समवन लाइक यू, नॉट मी। रमेश तुम्हारी आइडेंटिटी मैं दे दूंगा। तुझे मारने के लिए किसी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, ऑपरेशन होमाम अभी पूरा नहीं हुआ, तेरे मरने के बाद पूरा होगा। अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे रमेश, तुम मुझ पर भरोसा करो रमेश प्लीज। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हें दे दूंगा, मेरे कैसेट्स मुझे दे दो। कहाँ मिलूं रमेश? बोलून चेक नगा। क्या वो तुम्हारी वर्दी देगा? वो दे या ना दे उसे खत्म कर दूंगा मैं। रमेश प्लीज, व्हाट आर यू सेइंग? तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, गैंगस्टर नहीं। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? मरने मारने की क्यों बात करते हो? यही जरूरी है। रमेश 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 We'll be right back.
रमेश, रमेश तुम्हारी आइडेंटिटी लाया हूं। रमेश, 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 रमेश अपनी आइडेंटिटी ले जाओ। रमेश, रमेश, रमेश अपनी आइडेंटिटी ले जाओ। रमेश, चलो oh!
ये सुन रहे हो ना, अ ब्यूटीफुल सायरन साउंड, मेरे साथ ही आ गया है ब्रदर। तुम्हारी आइडेंटिटी चली गई है, वो आ जाएंगे तो तुम भी चले जाओगे। मेरी बात मानो, भाग जाओ यहाँ से। मुझे भागने के लिए क्यों कह रहा है? भागना है तो तू भाग। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुझे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस, तुम पुलिस ऑफिसर हो ये कौन मानेगा ब्रदर? या तो मेरे हाथों मरा विश्वनाथ बताए, या जिसे मैंने मारा वो डैडी बताए, या फिर तुम्हारी आइडेंटिटी मैंने इरेज कर दी ये मैं बताऊं। लेकिन ये कैसे होगा? नहीं हो सकता। एक बार सोच ले, तुझे यहां बुलाने वाला कौन है? पुलिस को यहां तूने बुलाया है, नहीं ना? बटन माई, इट्स रिकॉर्डेड। तूने जो कहा डिपार्टमेंट ने सुन लिया। मैंने माता सर, चंदू मेरे कब्जे में, मलून चेक ना कर। चलो हट, गेट अप सर, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। चंदू नहीं, आगे मत आओ। गो बैक। क्यों, माइक में मेरी आवाज रिकॉर्ड करेगा? व्हाट द हेल, जस्ट शट अप, ड्रॉप द गन। करीब मत आओ, नहीं तो इसे उड़ा दूंगा। अगर तुम लोग आगे आए तो एक अच्छा ऑफिसर मारा जाएगा। चंदू मेरी बात मान। नो चंदू, मैंने ही मारा विश्वनाथ को। मैं हूँ डैडी का आदमी और मैंने इसकी आइडेंटिटी इरेज की। यही है तुम्हारा सीक्रेट सर्विस पुलिस। क्या कर लोगे तुम लोग, क्या उखाड़ लोगे? आगे आओगे तो इसे शूट कर दूंगा। आई एम टेलिंग यू नायक, ड्रॉप योर गन्स। टारगेट रमेश पर नहीं, चंदू पर लगाओ। मतलब ये लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं? तुमने जो माइक पर हमारी बात रिकॉर्ड करने वाली बात कही थी, क्या वो झूठ था? जो मैंने कहा वो सब झूठ था, तूने जो कहा वो सच है। ये बटन माइक सिर्फ दिखाने के लिए है। कैसेट और टेप रिकॉर्डर मेरे कोई काम के नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। मेरा प्लान तुम्हें समझ में आ गया ना? जो मैं कहता हूँ वो करो। आपका ऑफिसर चंदू एक गैंगस्टर है। कहाँ पर? फोन कॉल से लेकर अब तक मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। डोंट यू थिंक आई एम अ गुड पुलिस ऑफिसर ब्रदर? मिस्टर विश्वनाथ के पर्सनल लैपटॉप से रमेश की पुलिस आइडेंटिटी का पता चला है। इसी के आधार पर रमेश को पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। मिस्टर रमेश की बहादुरी के कारण ही आज हमारे क्राइम ब्रांच का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। सो आई वेलकम यू टू स्टेज। वेरी हैप्पी विथ योर वर्क, इसलिए तुम्हें प्रमोशन दिया जाता है। थैंक यू सर। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए तुम्हें इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में अंडर कवर कॉप के लिए चुना गया है। फिर से अंडर कवर कॉप? नो सर, नो 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 नो। अबू मियां, चाय लेके आओ। जी भाई।
वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम।